चेकिंग के दौरान हुए विवाद में दरोगा सिपाही के साथ मारपीट, दरोगा का सिर फोड़ा। अलीगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान एक दरोगा का एक युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने दरोगा एवं उसके साथी सिपाही के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, किसी चीज़ से दरोगा के सिर पर वार तक कर दिया, जिससे दरोगा जी के सिर से खून बहने लगा। आरोपी युवक भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि खाकी पर हमला सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता ने किया और उसको बचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के तमाम लोग थाने पर जमा हो गए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्ता का नशा क्या होता है, क्योंकि जब एक दरोगा ही ऑन ड्यूटी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को ये सत्ताधारी क्या समझते होंगे। मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का है। यहाँ के शक्ति नगर गुलर रोड पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दरोगा संजीव कुमार अपने हमराह के साथ चेकिंग में व्यस्त थे, तभी वहां से भाजपा से जुड़ा राहुल गर्ग नामक युवक निकला। दरोगा जी ने चेकिंग के लिए उसे रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल अपना आपा खो बैठा और उसने दरोगा और उसके साथ मौजूद सिपाही के साथ हाथापाई कर दी। राहुल ने दरोगा के ऊपर किसी चीज़ से वार भी किया, जिससे दरोगा के सिर से खून बहने लगा। झगड़े को बढ़ता देख वहां भीड़ जमा हो गई। दरोगा राहुल को लेकर थाना बन्ना देवी आ गए। उसके बाद दरोगा जी अपने साथी के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मेडिकल कराया। मीडिया से बचते बचाते दरोगा जी मेडिकल कराकर अपने बुलेट पर बैठकर वहां से निकल गए। बीजेपी कार्यकर्ता एवं दरोगा के बीच झगड़े की जानकारी बीजेपी नेता को लगी। उन्होंने थाने में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। थाने में पहुंचे अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि सभी लोग जानते हैं कि अलीगढ़ में ट्रैफिक को लेकर रूटीन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए दरोगा चेकिंग कर रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोकने पर उसने दरोगा के साथ बदतमीजी और हाथापाई कर दी। ऐसा मामला संज्ञान में आया है। उनकी यूनिफार्म फट गई है और सर में चोट आई है। जो पीड़ित दरोगा तहरीर देंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने के दरोगा संजीव कुमार के सिर में गंभीर चोट है। दरोगा के साथ जो सिपाही था उसके साथ भी हाथापाई की गई। वहीं एसपी सिटी ने पूछा कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाया गया है, तो उन्होंने कहा कि जो पीड़ित तहरीर देगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं, शहर में ट्रैफिक को लेकर जो है काफ़ी चेकिंग की जा रही है। आईटीआई रोड पर एक चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर के साथ एक व्यक्ति ने जो है बदतमीजी और हाथापाई की, उसका मामला सामने आया है। उनकी यूनिफॉर्म की पैंट वगैरह फट गई थी और सर में चोट आई, तो जो वो तहरीर देंगे उसके बेसिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखने में आए मौके पर ब्लीडिंग बहुत पड़ी हुई थी, तो किसी सर्वर में भी चोट लगी है संजीव कुमार जी? सब इंस्पेक्टर को उसके सर में चोट है। उसका कहना, उससे जैसे मेरी बात हुई, उसका कहना है कि वो पानी निकालने वाले किसी स्टील वाले ग्लास से उसे जो है मारा गया, और साथ में उसके जो सिपाही था उसको भी उस पर भी हाथ उठाया गया। तो सर पुलिस पर हमला हुआ है, इस पर लेकर आप क्या कहना? अभी सब इंस्पेक्टर से बात हुई, जो वो तहरीर देंगे उसके बेसिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? जो वो तहरीर देंगे उसके बेसिस पर आवश्यक कार्रवाई की सबसे शर्मनाक बात तो तब सामने आई जब बीजेपी के स्थानीय नेता बजाय अपने कार्यकर्ता की गलती मानने के उल्टा पुलिस की गलती बताने लगे। बीजेपी के जिला महामंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कोई तो बात होगी जो दरोगा के साथ मारपीट हुई है। ये क्या प्रकरण है, ये भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो मारपीट हुई? व्यक्ति पुलिस पर हाथ उठाना नहीं चाहता, क्या परिस्थितियां रही होंगी, कोई पागल नहीं है तो ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी,
और वो कैसे मार सकता है? बता रहे हैं तीन पुलिस वाले, कैसे मार सकता है? मारा कहाँ पुलिस वाले, वो गिर गए हैं वो कैसे मार सकता है? आप उसका चेहरा देखिए, मैं भी आया था, मैंने उसका चेहरा देखा है, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ है, पूरे हाथ पैर उसके सूजे हुए हैं। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ अंदर, एक बार सब पूछ के और जानकारी करके बताऊँगा आपको। खबर जगत 24 न्यूज अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।